दिस इज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। मधुमेह या शुगर की बीमारी जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, शुगर क्या है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। मधुमेह इंसुलिन के स्त्राव के कम होने या इंसुलिन की एक्टिविटी कम होने या दोनों प्रकार के होने में हो सकता है, होने से हो सकता है। यदि हम टाइप्स के बारे में बात करें तो मधुमेह या शुगर की बीमारी दो टाइप की हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली बहुत ही कम देखा गया है। टोटल डायबिटीज के केसेस में 5 से 10% लोग ही टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं। टाइप 1 एक एक्यूट डायबिटीज है जो आमतौर पर 30 वर्ष की आयु से पहले होता है, इसलिए इसके को कई बार हम किशोर मधुमेह यानी छोटे बच्चों का डायबिटीज भी कह सकते हैं। और इसमें दूसरे इसका जो नाम है एक IDDM भी है, मींस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इसमें इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रोगी पूरी लाइफ के लिए। DKA एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से ही जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हम टाइप 1 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइप 2 से। टाइप 2 क्या है? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं टाइप 1 के। टाइप 1 बेसिकली जो हमारा पेंक्रियास ग्लैंड है जहां से इंसुलिन सीक्रेट होता है, आपको पता है इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेंक्रियास में होती है वहां से सीक्रेट होता है। वो जो सेल्स हैं वो किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, उसे डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। इन कोशिकाओं के नष्ट होने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे आनुवंशिक हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो बेसिकली बीटा सेल्स नष्ट हुई तो इंसुलिन का उत्पादन कम हो गया और उससे शुगर लेवल बढ़ गया, तो ये टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज को यदि हम देखें तो टाइप 1 की तुलना में बहुत ज्यादा इसके केसेस होते हैं। टोटल जो डायबिटीज के रोगी हैं उनमें 90 से 95% टाइप 2 से ग्रस्त होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, बट नॉर्मली देखा गया है कि जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनको डायबिटीज टाइप 2 देखा गया है। यह क्रोनिक और स्लो प्रोग्रेसिव है, धीरे 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 डेवलप होता है। नॉर्मली कई बार तो अनडिटेक्टेड ही रहता है, पता भी नहीं चलता कि वो आदमी या औरत शुगर से ग्रस्त है। आमतौर पर DKA जो कॉम्प्लिकेशन है वो टाइप 2 में नहीं होती है। तो टाइप 2 के पॉजिटिव फैक्टर क्या हैं? टाइप 2 इंसुलिन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। इंसुलिन प्रोडक्शन तो नॉर्मल रह सकता है, नॉर्मल होता है, बट जो उसकी एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। इंसुलिन के प्रति हमारी सेल्स या जो टिश्यूज हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, पूरा एक्टिव नहीं हो पाते उस इंसुलिन के रेस्पॉन्स में, यानी रेस्पॉन्सिव नहीं होते। ठीक है, टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन के प्रति जो इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे वो जितनी शुगर लेवल उसको कम करनी चाहिए नॉर्मली वो नहीं कर पाता है और शुगर लेवल ऊपर ही रहती है। ठीक है, और यह है यकृत द्वारा ग्लूकोज रिलीज को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण क्या होंगे? किसी भी टाइप की डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उत्पन्न होते हैं, सेम लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि लक्षण डिपेंड करते हैं शुगर लेवल पर और शुगर लेवल दोनों में ही इंक्रीज होता है, तो इसलिए लक्षण सेम होंगे। मुख्य जो जिसको हम कहते हैं कार्डिनल साइन या टिपिकल साइन वो है 3P, पॉलीडिप्सिया जिसमें प्यास ज्यादा लगती है, पॉलीयूरिया पेशाब ज्यादा आता है, और पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगती है। इसके अलावा जो लक्षण हो सकते हैं वो हो सकते हैं थकान या कमजोरी, हर समय थका थका सा रहना, ऐसा लग विजन में चेंज हो जाना, हाथों या पैरों में सुन्नपन आ सकता है, झंझनाहट होती है, त्वचा ड्राई हो जाती है, त्वचा में ऐसे घाव जो बहुत ही धीरे धीरे भरते हैं या भरते ही नहीं हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डायबिटीज के। यदि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं तो डायग्नोसिस जांच करवानी चाहिए। जांच में क्या होगा? एक तो प्रॉपर
फिजिशियन आपकी हिस्ट्री लेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से यदि ये सारे लक्षण जो हमने अभी डिस्कस किए ये हैं, तो फिर टेस्ट करवा सकते हैं। तो टेस्ट में मुख्य है कि ब्लड जो शुगर लेवल है उसकी जांच होती है। तो तीन टाइप की जांच इसमें मेनली करवाते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग यानी खाना खाने से पहले सुबह खाली पेट, रेंडम शुगर कभी भी करवा लिया, और खाना खाने के दो घंटे बाद। तो इसमें फास्टिंग और पीपी जो ये खाना खाने के दो घंटे बाद वाला टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसे कंफर्म कर लेता है डॉक्टर कि आपको डायबिटीज है। फिर टाइप वन और टाइप टू के लिए फिर आगे हायर टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, जो डायबिटीज का मेन ट्रीटमेंट, क्योंकि लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, तो एक उद्देश्य लेके चलते हैं कि क्या हमें ट्रीटमेंट से प्राप्त होना चाहिए। तो मेन गोल इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोका जाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं पहुंचे। तो डायबिटीज मेलाइटिस के प्रबंधन के मुख्य पांच पॉइंट्स होते हैं। एक होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक होता है निगरानी या मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन या पोषण चिकित्सा जिसको बोलेंगे, व्यायाम और शिक्षा। इन पांचों एक्टिविटीज से हम ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रख सकते हैं एक डायबिटिक रोगी का। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या होती है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी टाइप वन और टाइप टू दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है, बाकी चारों जो चीजें हैं वो सेम होंगी। टाइप वन डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन जीवन भर लेना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है तो बाहर से लेना ही पड़ेगा, और ये सबक्यूटेनियस नॉर्मली लेते हैं। टाइप टू डायबिटीज में मेडिसिन से काम चल जाता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो ब्लड शुगर को नॉर्मल रखती हैं। कभी कभी जरूरत के अनुसार इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, बट वो लाइफ टाइम नहीं चलता है, बट जो मेडिसिन है वो लाइफ टाइम चलती है। इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप जो रोगी है उसको ये सिखाया जाता है कि ब्लड शुगर को बार बार वो अपने आप चेक करते रहे, जिसे हम SMBG कहते हैं। SMBG मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और इसके जो परिणाम आते हैं, जो टेस्ट के रिजल्ट जो आते हैं, उसके आधार पर ये सीखना कि कैसे ऑप्टिमम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जाए, ठीक है। ये एक उसको पूरी एक प्लानिंग लेनी पड़ती है फिजिशियन से कि कितना ब्लड शुगर हो तो क्या एक्टिविटी करनी है, क्या रेस्पॉन्स करना है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन थेरेपी, ठीक है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भोजन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कब भोजन लेना है, कितना लेना है, क्या खाना है क्या नहीं, इस प्रकार पूरी एक चार्ट प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग रेडी होना चाहिए। तो मधुमेह के पोषण प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि एक तो वजन को उचित बनाए रखना, वजन नहीं बढ़ने देना, कैलोरी नियंत्रण जो है, कैलोरी सेवन है उस पर नियंत्रण रखना, ब्लड के शुगर लेवल को बनाए रखना, और हृदय रोगों को बचाना। इसके लिए लिपिड यानी फैट्स और ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल रखना। रोगी को चिकित्सक या आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया हुआ आहार चार्ट का पालन करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अलावा आता है एक्सरसाइज, व्यायाम शरीर की जो मसल्स हैं उनके द्वारा ग्लूकोज की मात्रा के अपटेक को इंक्रीज करता है और इंसुलिन के प्रति कुछ सेंसिटिव या बनाता है, ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज जो है बताई जाती हैं, जिसमें रेजिस्टेंस प्रशिक्षण कह सकते हैं, जैसे वेट को उठाना, उससे क्या होता है कि मसल्स मजबूत बनती हैं और वो इवन रेस्टिंग फेज में भी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रखती है। बट ध्यान ये रखना है कि जो डायबिटीज वाले रोगी हैं वो अपना किसी कुशल फिजिशियन से व्यायाम कौन कौन से किस प्रकार करने हैं और कितने समय करने हैं वो एक पूरा शेड्यूल बनवाएं, और उसी शेड्यूल के अनुसार एक निश्चित समय पर और उतनी ही मात्रा के व्यायाम करें, ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह सके। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पार्ट्स को वो कवर करती है डायबिटीज के, क्योंकि हर पॉइंट उसको सिखाना होता है। और मधुमेह आप सब जानते हैं कि क्रोनिक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जीवन भर उसके लिए स्व प्रबंधन व्यवहार यानी सेल्फ मैनेज्ड बिहेवियर की जरूरत होती है। रोगी को मधुमेह के बारे में, ग्लूकोज की SMBG के बारे में, इंसुलिन खुद लेने के बारे में, आहार, व्यायाम, इन सब के बारे में, और जटिलताओं की रोकथाम स्पेशली
बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती है, तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से इवन राइटिंग में उसको देकर चार्ट्स देकर सिखाया जाता है। माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।